सो हम सब जानते हैं कि डेडपूल कैसा है। वो हर जगह मुझे करता है, हर इंसान से मजे लेता है। लेकिन वुल्वरीन को ये चीज़ें पसंद नहीं है, उसे नहीं पसंद कि उसे कोई छेड़े। लेकिन फिर भी जानते हैं कि वेड विल्सन कैसा है, उसे छेड़ेगा, उंगली करेगा। Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. तो इस ट्रेलर को थोड़ा और ध्यान से देखने के बाद बहुत सारे ईस्टर एग्स मुझे स्पॉट हुए हैं, और बहुत सारे मतलब कि 3 हैं टोटल में। तो हम एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत भी मिलेगी। लाइफ में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, प्लीज़। पहला जो ईस्टर है वो है कॉपर हेड का, जो मैं नोटिस कर पाया, क्योंकि कॉपर हेड कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। कॉपर हेड एक एक्चुअल में विलन है मार्वल कॉमिक्स में, जो एक ऐसा इंसान है जो मर गया, मरने के बाद उसको दोबारा उसे ज़िंदा किया गया, और वो आया है स्पाइडरमैन की आत्मा को क्लेम करने। और इसके पास एक गन है जिससे गोलियाँ निकलती हैं, और गोलियों में और कुछ नहीं, सांप होते हैं, और हमारे नागराज का मजाक उड़ाते हैं लोग। चले आते हैं मुँह उठा के कॉपर हेड कहेंगे। नागराज जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आग का तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नाग। नागराज अपराधियों का मिटा दे नामो निशान। चलो, और इसके अलावा भी बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं। जो दूसरा ईस्टर एग मुझे देखने को मिला है वो है एंट मैन की मुंडी, बल्कि मुंडी नहीं, ये पूरा का पूरा एंट मैन ही है, जो शायद किसी और रियलिटी में इन्फिनिटी वॉर में मारा गया है और जाइगेंटिक फॉर्म में आ गया था, जिस वजह से मरने के बाद भी उसका कंकाल भी इतना विशाल का है। जैसे ईगो के सिर को नोवेयर बता के लोग उसमें रहते हैं, उसी तरीके से एंट मैन का सिर भी पूरी कॉलोनी को सहारा दे रहा है। हाँ, अब उसके साथ जो हुआ वो ट्रेजेडी थी, लेकिन है तो बड़ी अजीब सी और एक ईस्टर एग भी है। तो हो सकता है हमें उस रियलिटी में से जो बच गए एवेंजर्स देखने को मिल सके। और तीसरा ईस्टर एग काफ़ी अजीब सा है, बहुत माइन्यूट है, लेकिन वो है, और वो है आयरन मैन का। हाँ, पूरे तरीके से हमें आयरन मैन देखने को नहीं मिला, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ें देखने को मिली, जैसे उसकी वो कार जिसे उसने मॉडिफाई किया था अपने गैराज में, हमें यहाँ देखने को मिलती है। कुछ स्पेशली बायोनिक चीज़ें जो देखने को मिलती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं कि या तो यहाँ पे आयरन मैन जिंदा है या फिर तीसरा ईस्टर है क्या है अज़ाज़िल का, और वुल्वरीन वाली कैट वूमन का भी। अब किसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शी इज़ लाइक अ कैट वूमन, उसके भी पंजे हैं वुल्वरीन जैसे, बस उसके नाखूनों से निकलते हैं, वुल्वरीन के तो प्रॉपर क्लॉज हैं। और केवल इतना ही नहीं कि एंटमैन की मुंडी एक्चुअल में एक हाइड आउट है, पूरा का पूरा बेस है, इसके बाहर ये लोग खड़े हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसको अब चाहो तो पहचान सकते हो, जैसे बैकग्राउंड में पायरो भी देखने को मिल जाता है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर्स एक ही जगह बता दूंगा तो अगले वीडियो के इस बारे में लाऊंगा, बताओ तो अगला वीडियो तो लाना है ना मुझे, तो मैं अगले वीडियो में सारे कैरेक्टर्स बताऊंगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स मैं स्पॉट कर पाया हूँ। और तब तक के लिए चाहो तो मेरी और भी वीडियोस देख के एंजॉय कर सकते हो, और अगर नहीं तो प्लेलिस्ट को एंजॉय कर सकते हो, ऊपर फ्लैश हो रही होगी। मिलते हैं फिर, जय हिंद।